तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो टेक स्टार्ट। तो गाइस, ऐसे तो पावर बैंक हर लोग यूज करते होंगे, कभी ना कभी उनको जरूरत पड़ती होगी, चाहे वो अपना स्मार्टफोन चार्ज करने में, चाहे वो अपना स्मार्ट एक्सेसरीज चार्ज करने में। तो आज हम लोग इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले एक बेस्ट बजट पावर बैंक को, जो कि हमें रियलमी कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाता है। और वीडियो के लास्ट में मैं अपना खुद का ओपिनियन शेयर करूंगा। सो विदाउट एनी वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं। तो ये रहा गाइस हमारा रियलमी का पावर बैंक, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। तो जैसे आप लोग देख सकते होंगे, इसका पैकेजिंग काफी अच्छे तरीके से किया गया है। तो बॉक्स के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है रियलमी का ब्रांडिंग, और साथ साथ इसी के ऊपर इसका 10,000 mAh भी मेंशन कर दिया गया है। और उसी के साथ यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में भी रियलमी का ब्रांडिंग किया हुआ दिख जाता है, और साथ साथ राइट साइड में भी सेम ब्रांडिंग किया गया है। तो बॉक्स के पीछे के बारे में बात कर लिया जाए, तो यहाँ पे कुछ इसके हाईलाइट फीचर भी मेंशन कर दिए गए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे इसका प्राइस लिस्ट भी मेंशन कर दिया गया है। तो अगर इसकी इनबॉक्स प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए, तो यहाँ पे मेंशन किया गया 1,299, पर अगर आप इसे ऑनलाइन मार्केट से लेते हो तो आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आपको अप्रॉक्स 300 से 400 डिस्काउंट देखने को मिल जाएंगे। ऐसे तो मैंने इसका बेस्ट वाली लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, तो आप वहां से जाकर डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो, पर उससे पहले आप ये वीडियो देख लो। तो गाइस, अब चलते हैं और फटाफट से कर लेते हैं अपने बॉक्स को अनबॉक्स। तो ये रहा गाइस हमारा अनबॉक्सिंग नाइफ। तो आपको शायद पता ही होगा कि हमारा अपग्रेड हो चुका है अनबॉक्सिंग नाइफ, तो आज की वीडियो में हम लोग इसी से अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने बॉक्स को। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में जरूर बताना ये अनबॉक्सिंग एक्स आपको कैसा लगा। तो गाइस, मैं आपसे एक छोटा सा सर्वे लेना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मैं अपने वीडियो में हर एक वीडियो पे अपना अनबॉक्सिंग नाइफ चेंज करूँ, तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं 2-3 वीडियो के बाद अपना अनबॉक्सिंग नाइफ चेंज करूँ, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। और हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप सिर्फ 2 सेकंड का काम है, आप सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है। तो हमारा बॉक्स अनबॉक्स हो चुका है। तो यहाँ पे जैसा इसका पैकेजिंग मुझे पर्सनली काफी ज्यादा तगड़ा लगा। तो गाइस, यहाँ पे बॉक्स ओपन करते ही हमें देखने को मिल जाता है एक छोटा सा पेपर वर्क, जो कि रियलमी की तरफ से दिया गया है। तो इसमें हर कुछ अच्छे तरीके से डिटेल कर दिया गया है, और साथ ही साथ आपको इसके अंदर 1 साल का फुल वारंटी भी प्रोवाइड कराया गया है, तो इसका भी डिटेल इसी के साथ है। तो अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको इसे पढ़ने का जरूरत पड़ेगा कभी भी। और ये रहा गाइस हमारा पावर बैंक, लेकिन इसके बारे में हम लोग और डिटेल से बात करेंगे, उससे पहले और कुछ देख लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको एक कमाल सा यूएसबी केबल दिया गया है, दोनों का कॉम्बिनेशन केबल में साथ में कर दिया गया है, जिसे देख सकते हैं आप लोग, जो कि टाइप ए और टाइप सी दोनों सेम ही केबल में इंजेक्ट कर दिए गए हैं। तो बस इसे आपको एक पुट करना है और ये रेडी हो जाएगा टाइप सी के लिए, और आप जब से ही निकालोगे तो ये टाइप ए के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये फंक्शन मुझे काफी ज्यादा पर्सनली पसंद आया, क्योंकि आपको टाइप सी के लिए एक अलग सा केबल नहीं लेना पड़ेगा। तो गाइस, अब चलते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की ओर। तो ये रहा गाइस हमारा रियलमी का पावर बैंक, जो कि काफी ज्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है, जिसे देख सकते हैं इसमें एक आपको मैट टच फिनिशिंग दिया गया है। और हाँ, एक बात बता दूं गाइस, ये जो पावर बैंक है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है, तो आपको कभी भी इस पावर बैंक में किसी तरह का स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर इसकी टॉप साइड की बात करें, तो सिर्फ आपको एक सिंगल पोर्ट दिया गया है चार्जिंग के लिए, और साथ ही साथ आपको इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है। और इसी के बगल में यहाँ पे आपको पावर लेवल LED बल्ब भी दिया गया है। कभी ना कभी आप इस पावर बैंक को अपने साथ कहीं अपने टूर पर लेकर जाने वाले हो, शायद आप कहीं इंटरनेशनल या नेशनल फ्लाइट करने वाले हो, तो ये सब चीजों में ये काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पावर बैंक काफी ज्यादा हल्का है और काफी ज्यादा पतला भी है, तो आपको ये पावर बैंक में किसी तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, अगर आपको इससे अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है 10,000 mAh के पावर बैंक में, तो आप डेफिनेटली उसे परचेज करना, क्योंकि इस पावर बैंक में एक छोटा सा डिसएडवांटेज यही है कि आपको एक सिंगल चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि एक साथ आप दो या कुछ अपना स्मार्ट एक्सेसरीज चार्ज करना चाहते हो, तो इस पावर बैंक में नहीं हो पाएगा। बाकी ओवरऑल मुझे ये पावर बैंक काफी ज्यादा तगड़ा लगा। तो वीडियो के लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर आप नए थे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, और उसी के बगल में आपको बेल आइकन भी देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिर्फ उसे ऑल पर कर देना है, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।